राजधानी दिल्ली में हर साल दिवाली के समय सरकार की तरफ से एक जरूरी आदेश जारी किया जाता है पटाखे बैन को लेकर। वहीं अब धीरे धीरे मौसम करवट बदल रही है और सर्दी की आहट शुरू हो चुकी है। सर्दियों के बढ़ते ही दिल्ली में प्रदूषण भी तेजी से फैलने लगता है। वहीं प्रदूषण जो दिल्ली की जनता के लिए हमेशा से बड़ी समस्या बनी है। हर साल हालात ऐसे हो जाते हैं प्रदूषण के कारण कि सांस लेना भी दम घोटू लगने लगता है। इसी प्रदूषण से बचाव के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से ये आदेश दोबारा से जारी किया जा रहा है। दिल्ली के नई मुख्यमंत्री आतिशी की तरफ से पटाखा बैन पर नए दिशा निर्देश जारी किए गए, लेकिन इस बार पटाखों के बैन से जुड़े और भी कई प्रतिबंध लगाए गए हैं, जहां न केवल इस्तेमाल बल्कि उसके उत्पाद पर भी रोक लगेगी। दिवाली को आने में करीब अभी आधा महीना बाकी है। वहीं दिवाली कुछ दिनों तक ही मनाई जाती है, लेकिन दिल्ली सरकार के अनुसार इस 14 अक्टूबर से लेकर अगले साल यानी 2025 के पहले महीने 1 जनवरी तक इसके उत्पाद भंडारण बिक्री और इस्तेमाल सब पर कठोरता से प्रतिबंध लगाया गया, इस पर रोक लगाई गई है। दिल्ली सरकार की नई मुख्यमंत्री आतिशी की तरफ से जनता से ये खास अपील और सहयोग की बात कही गई है। दिल्ली और NCR क्षेत्र समेत लगभग उत्तर भारत में सर्दी के मौसम की शुरुआत के साथ ही प्रदूषण का स्तर तेजी से बढ़ता है। दिल्ली में पटाखे और पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने से सांसों पर संकट आती है। 6 राज्यों में पराली जलाने का आंकड़ा 1500 के पार पहुंच गया है। पंजाब में सबसे ज्यादा 700 मामले सामने आए। इधर दशहरा में जगह जगह पुतला दहन और आतिशबाजी से हवा में प्रदूषक कणों में तेजी से वृद्धि हुई है। वहीं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार राजधानी दिल्ली में सुबह 9 बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 220 यानी खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है। दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI शनिवार को जहां 155 था, रविवार को 224 के पार पहुंच गया। इस स्तर की हवा को खराब श्रेणी में रखा जाता है। आनंद विहार की हवा सबसे खराब श्रेणी में रही। यहाँ का AQI 377 के अंक पर यानी बेहद ही खराब श्रेणी में रहा। NCR में गाजियाबाद का AQI 265 अंक दर्ज किया गया। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले 6 दिनों के अंदर वायु गुणवत्ता मध्य से खराब श्रेणी के बीच होने का अनुमान है। वायु गुणवत्ता यानी कि AQI पर तैयार किए गए डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के मुताबिक दिल्ली की हवा में अभी वाहनों से निकलने वाले धुएं की सबसे बड़ी हिस्सेदारी 20% है। इसके बाद उद्योग, आवासीय क्षेत्र, निर्माण क्षेत्र और NCR के जिलों से आने वाले प्रदूषण की हिस्सेदारी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।